बोलिए नीचे बुलाइए ना साथियों। अरे हाँ, नीचे जो सब पीछे का फ्रेम नहीं लगा, धक्का धुक्की नहीं। आज पकड़ लीजिए, माइक पकड़िए। 29 जनवरी है और आज ही गौरी लंकेश का जन्म हुआ था, जिनकी 5 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। आज ही महान जनवादी कवि गोरख पांडे का भी जन्मदिन है और आज 29 फरवरी को हम लोग इस ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान से चलेंगे और कल 30 जनवरी को जो बापू का बलिदान दिवस है तो भितिहरवा जाकर बापू धाम में माल्यार्पण करेंगे। गांधी जी के याद में हम लोग वहां पर मानव श्रृंखला बनाएंगे और पूरे देश भाई तो पूरा मोबाइल गांधी जी से जुड़ी हुई जितनी भी जगह हैं सब पूरा मोबाइल आ रहा है, मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। हम क्या करें? और वहां पर गांधी जी का संदेशा लेकर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये संदेशा लेकर बिहार के सभी जिलों में घूमते हुए अलग अलग जगह पे जनसभाओं को करते हुए 29 फरवरी को पटना आएंगे। और ये जो पूरा कार्यक्रम है उसमें हमारा नारा यही है, हमारा देश हमारा संविधान बापू धाम से गांधी मैदान। और ये जो पूरी की पूरी मुहिम है, ये मुहिम CAA NRC और NPR के खिलाफ है, लेकिन CAA NRC और NPR की ही बात नहीं कर रहे हैं। तमाम जनसभाओं में होने वाली तमाम मीटिंगों में युवा की तरफ से कि देश की जनता करे पुकार, चाहिए CAA NRC NPR रोजगार। इन सवालों को हम जन जन तक ले जाने का, और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि जो बिहार के सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। लड़ाई मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी स्थिति में चुनावी उद्देश्य से नहीं है। किसी को भी MP MLA बनाने के उद्देश्य से नहीं है। ये इस बात के लिए इस जनगण मन में जो जन का सवाल है वो सबसे प्रमुख सवाल रहे। इस यात्रा में मन की बात कर रहे हैं और हम यही कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। लोकतंत्र होगा, चुनाव होगा तो सरकारें आती, लेकिन जो क्या है हमारी प्रस्तावना का जो प्रथम शब्द है, हम भारत को बचाना है। और इस देश में जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है इस देश को बचाने का, जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, भाषा लैंगिक आधार पर किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं किया था। देश जितना अशफाकुल्ला खान का है उतना ही राम प्रसाद बिस्मिल का है। आचा को बचाने के लिए, लोगों के बीच में एकता और प्रेम का संदेश देने के लिए, और जिस तरीके से नफरत को बढ़ा करके हमारे जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, उसको जो गुमराह किया जा रहा है, देश के लोकतंत्र को बचाएंगे और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी CAA NRC और NPR की मुखालफत करेंगे। ठीक उसी वक्त दूसरे हाथ में जनता के जो सवाल, जैसे हम बिहार की अगर बात करें तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से यहाँ के नौजवानों को शिक्षा के लिए, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है, ये सवाल जो हैं बिहार की जनता के सबसे प्रमुख सवाल हैं। और हम बिहार के लोग हैं, हमको अपना इतिहास याद करना पड़ेगा। ये बिहार की धरती है जो बुद्ध की भी धरती है, महावीर की भी धरती है, गुरु गोविंद सिंह की भी धरती है। कभी भी इस राज्य ने किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया है। जिस तरीके से देश में हिंसा का वातावरण बन रहा है और लोकतंत्र पे एक हमला है, मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले भी सरकारें थीं और उन सरकारों के खिलाफ भी विद्यार्थियों और युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व पटना के इसी गांधी मैदान से JP ने किया था। इसीलिए ये बिहार की जिम्मेवारी है कि वो आगे आए। बिहार की जनता से ये अपील है कि वो आगे आए और देश को एक दिशा दिखाएं। इसी उम्मीद से ये मुहिम हम लोग शुरू किए हैं
आप लोग आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया एक सवाल है, शर्जील के लिए आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा था, जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा था, उस दौरान तपन घोष ने कहा है, वो सोशल एक्टिविस्ट है, एक सेकंड, तपन घोष ने कहा कि हमारी फौज और पाकिस्तान की फौज में कोई अंतर नहीं है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फौज का मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज भी मारती है अपने लोगों को, हमारी फौज भी मारती है, क्या भारतीय फौज के बारे में इस तरीके से कहना सही है? सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग किसी को भी नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, यहाँ पूरा का पूरा जो मामला है उसको समझना बहुत जरूरी है। हमारा कानून पहले से ही हर किसी को नागरिकता देने की बात करता है, कोई भी व्यक्ति अगर भारत में आकर के शरण मांगेगा तो उसको शरण दी जाएगी, हमारे कानून पे भरोसा जताएगा, संविधान पे भरोसा जताएगा तो उसको नागरिकता भी दी जाएगी, ऐसा कानून पहले से था। अगर एनपीआर और एनआरसी से सीए का कोई संबंध नहीं था तो मैं बस एक बात आपको रिमाइंड करा दूं, जब बीजेपी की सरकार 99 में बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो 2003 में ही नागरिकता संशोधन कानून पास कर दिया गया था, फिर ये 2019 में नागरिकता संशोधन कानून क्यों लाना पड़ा? क्योंकि एनपीआर और एनआरसी के प्रोसेस को, खास करके एनआरसी के प्रोसेस को जब आसाम में शुरू किया गया तो ये पाया गया कि 19 लाख लोगों में से जिनका नाम एनआरसी से बाहर हुआ है, 15 लाख लोग गैर मुसलमान हैं, तो इनको लगा कि हिंदू लोग जो है वो दुखी हो जाएंगे, हिंदू लोग जो है भड़क जाएंगे, काब है वो उतर जाएगा, इसीलिए ये भ्रम की स्थिति CAA की कोई जरूरत थी हमारे कानून के हिसाब से। जो लोग भी ये कहते हैं CAA के साथ हैं और NPR NRC कि गंगाधर शक्तिमान है कि नहीं है, ये तीनों जो मामला है साफ साफ सुन लीजिए, तीन के कानून के हिसाब से पहले NPR होगा, NPR घर में आएंगे जवाब इकट्ठा कर, फिर डाउटफुल जिनका लिस्ट डाउटफुल रहेगा उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, होगा सही नहीं होगा उनका नाम एनआरसी से बाहर कर, जिनका होगा जाएगा। खतरनाक चीज है वो ये है, फुल सिटीजन बनाने के लिए दी गई है। दूसरा जो हमारी हमारा सरकारी तंत्र है से डॉक्यूमेंट बनाता है, वोटर आईडी पे हमारा होता है और फोटो किसी और का होता है, जन्मतिथि किसी का भी सही नहीं पाया जाता है उसकी, तो एक कागज की महज चूक के चलते आप अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को बेगाना बना दें, ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं एक बात याद दिला दूं, जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के वक्त कहा गया कि काला धन समाप्त होगा, जो लोग नोटबंदी का विरोध किए उनके बारे में कहा गया कि ये काला धन का समर्थन कर रहे हैं, उसी तरीके से आज ये कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी कार्रवाई घुसपैठियों की पहचान के लिए। एक बात आप सोच के बताइए, हम बिहार की धरती पे किसी पंजाबी को आप अपने खेत में धान काटते हुए देखें? कोई मराठी आकर के यहाँ बड़ा पाव का दुकान लगा रहा है? कोई जो है केरल का आदमी यहाँ आकर के मौसमी का जूस बेच रहा है? इकोनॉमी जब आपकी मजबूत होगी तब लोग आपके यहाँ आकर के काम करेंगे। हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि हम पलायन कर रहे हैं, पलायन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास रोजगार की कमी है, और ऐसी स्थिति में कागज की जो चूक है उसके आधार पे ये घुसपैठियों की पहचान नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इस देश के जो गरीब लोग चाहे हिंदू हों या मुसलमान, कागज की चूक के चलते ना सिर्फ उनकी नागरिकता बल्कि उनका जमीन, वोट देने का अधिकार, इन तमाम चीजों को जब्त करना चाहते हैं। इसीलिए नीतीश जी अगर ये कह रहे हैं कि नहीं वो NPR और NRC के खिलाफ है तो क्या दिक्कत, वो बिहार विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करें जैसा रेजोल्यूशन केरल में पास किया गया है, उसमें क्या दिक्कत? हमने साफ साफ कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई चुनावी लड़ाई नहीं, सरकार पास कर दे मामला खत्म हो जाएगा,
इसमें गोल गोल घुमाने का कोई जरूरत नहीं है, इस बहस में फंसाने का कोई जरूरत नहीं है कि मुर्गी पहले आया कि अंडा। हाँ सर जी, हाँ सरजील को लेकर रहे हैं, हमने कहा कि आप भी सरजील इमाम भी जेएनयू के स्टूडेंट लीडर हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का आईआईटी के स्टूडेंट, हाँ वही बताइए, जेएनयू के भी छात्र ने मुंबई के, हाँ जेवियर के सवाल मेरा सुनिए, आप भी अपना सवाल नहीं रहे, आप पहले बोलिए उसका जवाब तो दीजिए, हाँ पहले आप बाद में सवाल कीजिए, पहले बताइए सरजील इमाम का जो मुकदमा दर्ज हुआ है क्या कहेंगे, क्या कहिएगा? हाँ पहली बात तो ये है कि मैं कानून का समर्थक व्यक्ति हूँ, मुझे इस देश के न्याय में भरोसा है, और तमाम आरोपों के बावजूद मुझे इस बात की उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी राजनीतिक दबाव के सत्ता में बैठी हुई पार्टी को चुनावी लाभ पहुंचाने के ख्याल से नहीं, बल्कि क्या सही है क्या गलत है इसका पूर्ण जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, एक बात। दूसरी बात, जो बात बीच में क्यों टोक रहे भाई, उस बात में मैं आप लोगों को याद दिला दूं, मुझे भी देशद्रोही कहा गया, मेरे भी बहुत सारे वीडियो जो हैं वो तोड़ मरोड़ के पेश किए गए, 4 साल हो गए हैं अभी तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कहा यह जाता है कि अरविंद केजरीवाल परमिशन नहीं दे रहे, जब परमिशन बनता ही नहीं है, जब देशद्रोह बनता ही नहीं है तो देशद्रोह कैसे दे दिया जाए, एक बात यहाँ स्पष्ट कर लीजिए, कोई इंसान यदि भड़काऊ भाषण देता है तो उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमे हो सकते हैं, जैसे अभी जो देश के राज्य वित्त मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने गोली मारने की खुलेआम बात की तो इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर कार्रवाई किया, लेकिन उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया, और देशद्रोह एक सेंसिटिव चीज है, ये सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद नहीं है कि आप सुबह उठेंगे और बांट देंगे किसी को भी। अभी कर्नाटक में मैं आपको बता दूं कि स्कूली बच्चों के ऊपर देशद्रोह लगा दिया गया, अगर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों का इस तरीके से मिसयूज किया जाएगा, ये हमारे देश की एकता अखंडता और सुरक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। और मैं बता दूं, देवेंद्र सिंह जिनका नाम पुलवामा अटैक के वक्त आया था, जो पुलिस ऑफिसर हैं, लश्करे तोयबा के आतंकवादी के साथ पकड़े गए, हथियार के साथ पकड़े गए, उनके ऊपर तो देशद्रोह नहीं लगा, उनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा किया गया। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ मैं स्पष्ट कर दूँ, सरजील के साथ मेरा सीधे तौर पर वैचारिक मतभेद है, आप उनके भाषणों को सुन लीजिए, वो हमारे खिलाफ भी भाषण देते हैं, आप भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कानून की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो जो सही चीज़ है, जो ऑब्जेक्टिव चीज़ है, वो बात हमको करना चाहिए, देश में किसी को भी हिंसा भड़काने का इजाज़त नहीं है, और हम लोग साफ साफ कह रहे हैं, गांधी जी की मूर्ति के नीचे खड़े हैं, डोंट बी साइलेंट डोंट बी वायलेंट, किसी तरह की हिंसा के हम लोग समर्थक नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकारी तंत्र का मिसयूज हो रहा है इस पर हम लोगों को सवाल पूछना चाहिए। जेएनयू में स्टिंग ऑपरेशन हुआ, आप लोग जेएनयू में से इतना इंटरेस्टेड हैं, उनके सारे इंस्टीट्यूट का नाम छोड़ करके सिर्फ जेएनयू पे सवाल पूछते हैं, ठीक बात, जेएनयू में विद्यार्थियों के ऊपर नकाबपोश ने हमला किया, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, सारे लोगों का नाम बाहर हो गया, एक की भी गिरफ्तारी हुई है, जिस 9 फरवरी के चलते मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा किया गया और बार बार ये कहा गया, क्या उस मामले में किसी भी नकाबपोश की गिरफ्तारी हुई है? नजीब एक स्टूडेंट जेएनयू के गायब हो गए, क्या हमलावरों की गिरफ्तारी हुई है? सर अगर इस तरह से जो नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति आज हमारे समाज में फैलाई जा रही है, जेएनयू का नाम सामने रख करके, मैं समझता हूँ ये उस फर्जी बहस का हिस्सा है कि आप अपने सवालों पे गौर न फरमाएं, आपका जो बुनियादी हक है उस पे गौर न फरमाएं, इसीलिए आपके सामने रोज़ एक नया मुद्दा फेंका जाता है और जब चुनाव खत्म हो जाता है वो मुद्दा समाप्त हो जाता है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में इस बात पर चर्चा ना हो कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किए, दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के काम पे ना चर्चा हो, इसीलिए सरजील इमाम पे चर्चा हो रही है। अच्छा बताइए, तपन बोस आज जिस तरीके से जंतर मंतर पे एक्टिविस्ट हैं, जंतर मंतर पे सरजील के समर्थन में हो रहा है, नहीं जानते। अच्छा ये बताइए, क्या फौज को इस तरीके से सवाल करें, फौज को इस तरीके से कहना क्या सही बात है? पाकिस्तानी फौज अरे भाई ऐसा लो ना, एक सवाल है, ये सरकार बिहार का जनता है।